हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार सर। यार बड़ा नमस्कार। नमस्कार जी, जी। मेरा नाम श्याम सुंदर अरलाल का है। मैं दिल से आपको बहुत चाहता हूँ। लव यू सर, थैंक यू सो मच। मैं दिल से ही आपके लिए दो पंक्तियाँ लिखी है। अच्छा, तो आपको सुनाना चाहता हूँ। प्लीज सर। कौन कहता है आप कपिल जी है? कौन कहता है आप कपिल जी है? मैं मनोहर लाल हूँ। अच्छा जी, प्लीज सॉरी सॉरी। कौन कहता है आप कपिल जी हैं? कौन कहता है आप शर्मा जी हैं? दोस्तों आंख खोल कर देखो, ये तो कपिल शो की शर्मा ब्रह्मा जी है। थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया सर। कहाँ से आए आप सर? गोकुल धाम बम्बई से। अच्छा जी, बहुत 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 धन्यवाद सर शो में आने के लिए। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर। So sweet. नए नए कपड़े पहन के क्यों आ गए यहाँ पे? लोगों को पता चले नॉर्मली भी अच्छे लगते हैं हम लोग। मतलब कैसे आना हुआ? अरे सीजन का फाइनल एपिसोड है कपूर, तो पूरी टीम आई है सबको थैंक यू बोलने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। मैं भी अपने फैंस को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ये लोग कहाँ हैं? ये फैंस कहाँ हैं? जो सामने और बकरियां बांधी हुई हैं, फैंस ही हैं। एक सेकंड, अगर इसके फैंस हो सकते तो मेरे तो डेफिनेटली होंगे गाइस। थैंक यू। मतलब ये सीजन आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। ए झूठ बोल रही है ऐसे सर, कोई नहीं सर, 70% एपिसोड में तो तुम थी नहीं। बहुत प्यार दिया है जी, बहुत प्यार दिया है। लेकिन एक बात है सर, शी इज वेरी सपोर्टिव। हाँ नहीं, ये नहीं, ये बात तो है, मैंने भी देखा, शी इज वेरी सपोर्टिव। मतलब अगर चंदन सर रिहर्सल करते करते अगर सो जाता है, ये लड़की वैनिटी में जाके सर ये भी सो जाती है, दे आर मेड फॉर ईच अदर। तुम लोग 9 साल से एक साथ शो कर रहे हो, तो हाउ हैज योर एक्सपीरियंस बीन? लेट्स स्टार्ट विद द लेडीज। हाँ मैं बताता हूँ। सॉरी हो जाता है। नहीं, बट सबको पता है मैंने करियर की शुरुआत की थी डेली सोप से। 2011-12 कपिल की पार्टनर बनी कॉमेडी सर्कस में। टुडे इज 2022। कपिल थैंक यू वेरी मच, क्योंकि जब शुरुआत की थी तब कॉमेडी का आइडिया नहीं था, तो जो कुछ भी सीखा है तुमसे सीखा है। बोल रही मेरे पे इल्जाम मत लगा, मैंने कुछ नहीं सीखा। जो भी है दर्शकों इसका खुद का, हमारा नहीं है। हम अपना अकेले रहते हैं, ये अलग है। ओके गाइज, एक्चुअली हमें ये पूछना है, जैसे झुकझुक जियो में ये हमारी फैमिली है, और एक पिक्चर बनाते या फैमिली में झगड़े हंसी मजाक सब होता है, पर जब भी कुछ मुश्किल आई होगी सीजन में ये 9 साल में, तो हु इज द फर्स्ट पर्सन आप में से जो मेकअप कराता है सबका? हम आपकी फिल्म में आके बीच में बोलते हैं। कोई तो होगा। अंदर की बात नहीं जानता है। मेरे को अंदर की बात नहीं जानता है। इसलिए इसमें कहना चाहूंगा वरुण, क्योंकि कपिल शर्मा शो बहुत सालों से चल रहा है, मैंने 2018 में ज्वाइन किया सर, जब मैं नया नया आया, अर्चना जी मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ 10-15 एपिसोड ही हो पाएंगे शुमाना के। लेकिन जब इसने 20-25 किए तो मैंने कहा मेरे तो 250 बनते हैं। तुम बताओ कि तुमने कॉमेडी कैसे की, कब से शुरू? मैं तू कर दी शुरू तुमने। यार शो बताया नहीं किसी को, शो खत्म होने पे आया, तुम अभी भी नॉन सीरियस हो। चल ठीक है, प्लीज। यार मैं सबसे पहले अपने दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ भारत सरकार का, जिन्होंने देश में रहने दिया। तुम बोल लो यार, मैं बाहर जाके बोल लेता हूँ, प्लीज। कीकू भाई आप अपना एक्सपीरियंस कुछ बताइए। हाँ, मैं सबसे पहले शो की असली लड़की के बारे में कहना चाहूंगा, तो शुमोना विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि तुम्हारी रिस्पेक्ट हमेशा ड्यू ही रह जाती है, मिलती नहीं। चलो भाई, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने जब पहली बार शुमोना से मैं मिला था, मुझे लगा ये छोटी सी प्यारी सी फ्रेजाइल सी इतनी सी लड़की इतने बड़े स्टेज पे इतनी बड़ी ऑडियंस लाखों करोड़ों लोगों को एंगेज कर पाएगी। लेकिन शुमोना, मैंने इस सीजन के आखिरी 4-5 एपिसोड देखे हैं, आई मस्ट से कि तुम ट्राई भी नहीं करती।
कृष्णा भाई के बारे में बोलना चाहूंगा, लेकिन पहले तो इससे ज्यादा मेहनती आदमी मैंने लाइफ में नहीं देखा भाई। क्या बात है। लेकिन इसमें होता क्या है, इनको जैसे ही अपनी स्क्रिप्ट मिल जाती है ना, एक तैयार पूरा ढांचा तैयार हो जाता है स्क्रिप्ट का, ये आदमी इतनी रिहर्सल करते हैं, एक एक बंदे को पकड़ के अपनी पूरी स्क्रिप्ट सुनाते हैं, परफॉर्म करके दिखाते हैं। मैं भी अगर पीछे मिल गया इन्हें तो पूरी अपनी स्क्रिप्ट मुझे सुनाएंगे, भाई आप बहुत अच्छा करते हो, लेकिन हमें भी अपना काम करना होता है, घर से रिहर्स करके आओ यार। लेकिन कृष्णा भाई जो भी है आपको सल्यूट है, क्योंकि डांस के साथ जैसी आपकी एंट्री होती है, डांस के साथ आपकी एग्जिट होती है, कमाल। थैंक यू भाई। लेकिन आप बंद कर दो बहुत हो गया डांस यार, आप तो हमें सारे स्टेप याद हो गए हैं, ऐसे ही होता ना आपका, ये बहुत हो गया। एक टाइम था जब मैं आपके डांस का फैन था, लेकिन जब मैंने गोविंदा जी के डांस देखा तब मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा ओ इधर तो सिर्फ ब्रेड बनती है, आटा तो कहीं और से आ रहा है। अच्छा वो एक मिनट चंदन, आपने स्टेप किया था कौन सा था, मेरा वाला? वाह, कॉमेडी के साथ साथ डांस की भी टाइमिंग खराब है। करो एक दूसरे की बेइज्जती, आई एम एंजॉयिंग। एक एक एंट्री करके निकल जाते हो, करो आज काम। अर्चना जी आई लव यू। अर्चना जी थैंक यू। लेकिन अर्चना जी आपको याद है जब हमने ये वाला सीजन शुरू किया था, शूटिंग का पहला दिन था, तो मैं सबसे पहले जब शूटिंग पर आया, मतलब मैं 3-4 घंटे शूट से पहले आ गया था, सबसे पहले दौड़ के मैं आपकी वैनिटी में आया, आपने मेकअप भी नहीं किया था, और मैंने आपसे कहा दादा जैसे ही अर्चना जी आए उनसे कहिएगा। हे भगवान ये क्या हो रहा है। But seriously, I want to ask you guys, आप लोग मतलब हमारे बॉलीवुड के इतने सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के सामने you know, you perform, तो कुछ nervousness, you know, do you feel any like nervousness? तो नहीं, थोड़ी सी एंजाइटी होती है क्योंकि हम लोग इतना रिहर्सल करते हैं। कभी ऐसा होता है ना, अनिल सर के एक जोक सुनाया गेस्ट नहीं हंसे, दूसरा जोक सुनाया गेस्ट नहीं हंसे, तीसरा जोक सुनाया गेस्ट नहीं हंसे, तो हमें पता चल जाता है हमारा जोक अच्छा है। हमारा जोक अच्छा है, गेस्ट थोड़े सीरियस टाइप के हैं और कुछ नहीं। खैर अनिल सर, नीतू मैम, नीड योर ब्लेसिंग्स, क्योंकि इसके बाद मैं अपने यूएस और कनाडा लाइव शो। तेरा कौन सा टूर है अभी बाहर? कौन सा, इसका कौन सा टूर है यार, जिसमें आप लोग भी जा रहे हो? हम तुझे लेके जा रहे हैं। तो एक ही बात है, कट्ठे जा रहे हैं। मुझे तो कोई बेस्ट विशेस नहीं देता, तुझे शो किसने दे दिया? हम, मेरा शो है। बाकी हम तो चलो यूएस जा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है अर्चना जी यहीं पर रहे। मेरा शो आ रहा है। हम जा रहे हैं इसलिए आपका आ रहा है। हम रुक जाए बता। ठीक है। इंस्पेक्टर शमशेर सिंह रिपोर्टिंग मैम। कौन कहता है पुलिस टाइम पे नहीं आती? 9:30 का शो है, 9:29 में मैं इधर हूँ। अगर उसके बावजूद भी लेट हो जाऊं तो समझ लो ये जो सुपरस्टार सिंगर वाले इनका कसूर है। एक मिनट, फोन आ रहा है। हेलो, हाँ जी, ये हैं जनाब, चोर भाग रहा है, कोई बात नहीं, उसको उसको बोलो गोल्ड मेडल लेके आना है। अच्छा मैराथन नहीं भाग रहा तो फिर क्या फायदा, उसकी किडनी पे 3 मुक्के मार के वापस जेल में डालो उसे। हाँ, उसके पास बंदूक भी है। अच्छा कोई निकल रहा होगा उधर, तुम मदद मांगो किसी से। देखो खोपचा देख के छुप जाओ। हाँ, चोर चक्के बड़े घूम रहे हैं, पुलिस नहीं कम होनी चाहिए। छुप जाओ चलो। अर्चना जी। हाँ जी। आप यकीन नहीं करेंगे मुझे, 4 हवलदार और 1 कुत्ता दिया डिपार्टमेंट ने। हाँ? आप यकीन नहीं करेंगे, इतना वफादार कुत्ता है, मैंने 4 बार बेचा उसको। हाँ, घूम फिर के वापस आ जाता है, इतना वफादार है। लेकिन ये जो हवलदार हैं, हाँ? ये बिल्कुल भी लॉयल नहीं है। अच्छा, 2 हवलदार तो मेरे नीचे काम करते थे। हाँ? SP बन गए। अब मुझे उनको सलूट मारना पड़ रहा है। कोई लॉयल्टी नाम की चीज नहीं है। वैसे मैंने पुलिस की नौकरी के लिए बड़ी मेहनत की अर्चना जी। अच्छा, मैं जब भर्ती होने गया मुझे कहते दौड़ के दिखाओ। हाँ? मैंने फिर एक औरत की चैन खींची, भाग गया, इंस्पिरेशन चाहिए ना भागने के लिए। उसके बाद मुझे कहते छाती बुलाओ, मैंने छाती बुलाई, कहते और बुलाओ, मैंने कहा मैंने वर्दी पहननी कि ब्लाउज पहनना है मतलब। लेकिन अर्चना जी मैं आपको बताऊं, पुलिस की नौकरी बड़ी टफ है, स्पेशली ये जो होते ना अपना ड्रिंक एंड ड्राइव वाले। हाँ? हमें ड्रिंक एंड ड्राइव को रोकने के लिए लोगों के मुंह सूंघने पड़ते हैं। हाँ? अलग अलग लोगों के मुंह सूंघ के ना हमारे अपने मुंह से मिक्स कॉकटेल की स्मेल आने लगती है।
कितनी स्मेल आती है, फिर हमारी बीवी हमें मुंह नहीं लगाती। वो तो शुक्र है मेरी दूर की नजर गंदी है तो मेरे दो बच्चे हो गए, वरना वेरी टफ। ईमानदारी मुझ में बड़ी कूट कूट के भरी है, आप यकीन नहीं करेंगी। एक बार मुझे टाइम बम मिला, मैंने टाइम बम में से घड़ी उतार ली और बम मैंने थाने में जमा करा दिया। तो मैं घड़ी का टाइम सेट कर रहा था, उधर बम फट गया, पता नहीं कैसे, मेरे को समझ में नहीं आया। अच्छा, बम फटा, चार दीवारें थाने की और दो हवलदार गायब। चलो दीवारें तो चलो सीमेंट की मिट्टी की, हवलदारों को तो बता के जाना चाहिए था ना, इनडिसिप्लिन लोग। हमारी पुलिस डिजिटल हो गई है, जो रिपोर्ट वगैरह होती है हम लोग ऑनलाइन लिख लेते हैं, डंडा मारने हमें खुद जाना पड़ता है। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे थाने में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे। अच्छा अच्छा, एक दिन सीसीटीवी कैमरा चोरी हो गया, हमने फुटेज चेक की, हमारे चार अपने हवलदार पकड़े गए। इतना काम खराब, हमने उतरवा दी एफसी के, तो हम सारे पकड़े जाएंगे। कमाल है। अच्छा, पब्लिक को पता नहीं पुलिस के पेट से क्या परेशानी है। जिसका थोड़ा सा पेट बाहर आ जाए, कहते हैं उनका पेट अंदर होना चाहिए, भी हमारा पेट के हाईवे के बीच में आ रहा है कि जो ट्रैफिक जाम हो रहा है। कमाल है, पुलिस से आपको उतना ही डरना चाहिए जितना आप अपनी पत्नी से डरते हो, और प्यार भी उतना ही करना चाहिए जितना आप अपनी पड़ोसन से करते हो, तब आपको पुलिस अच्छी लगेगी। वैसे भी पुलिस और पत्नी जो होती है दोनों की राशि एक होती है, दोनों ही आदमी को शक की नजर से देखते हैं। अच्छा, पुलिस जो होती है अपने रिमांड से मारती है, पत्नी जो होती है अपने डिमांड से मारती है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। आप तो मुझे पहले से डबल नजर आती थी, क्या दारू पिलाई आपने, वाह मजा आ गया, ये भी डबल डबल नजर आ रही है। ये तुम लोग मुझे डबल कैसे दिख रही हो? डबल, मैं तो सिंगल हूँ। गुड न्यूज, मैं भी सिंगल हूँ। चलो फिर दोनों मिंगल हो जाते हैं, उसके बाद छोटे छोटे जिंगल करेंगे। वैसे आपको काम क्या है? सर, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। रिपोर्ट लिखवानी? किसको लिखवानी, तुमको या इसको? मुझे लिखवानी है, इसका पता नहीं। एक मिनट, एक एक करके बताओ, कानून सबकी मदद करेगा, किसकी? सबकी नहीं, मेरी मेरी मदद कीजिए। तुम दोनों हॉस्पिटल में हुई थी कि फोटोकॉपी दुकान में हुई थी? दोनों में से ओरिजिनल कौन है? ओरिजिनल तो मैं ही हूँ, इसका पता नहीं। इसका किसका किसका उसको उसको क्या है? आप मेरी रिपोर्ट लिखेंगे कि नहीं? क्या है रिपोर्ट बताइए? वो ना, मेरा बेबी गुम हो गया है। मुझे भी प्यार से लोग बेबी कहते, मुझे ले जाओ। अरे बॉयफ्रेंड वाला बेबी नहीं, मेरा फोन। बॉयफ्रेंड तो वैसे भी सिम कार्ड की तरह होते हैं, एक जाता है तो दूसरा आ जाता है, लेकिन फोन नहीं। वाह, अभी क्या चाहिए तुम्हें, बॉयफ्रेंड चाहिए कि फोन चाहिए? ऑफ कोर्स फोन। बस इतनी सी बात, मिस कॉल मारो, मिल जाएगा। फोन नहीं है, मिस कॉल कैसे मारूं? लोग यहाँ पे बैठे बैठे लोगों की कुर्सियां मार लेते, तुमसे मिस कॉल नहीं मारी जा रही। अरे यहाँ मेरा फोन खो गया और आपको मजाक सूझ रहा है? यहाँ मजाक सूझना पड़ता है। हाँ, तुम्हें भी सूझना पड़ेगा दो तीन दिन बाद, हर बार डबल रोल नहीं चलेगा, नहीं तो आदमी को निकाल देते हैं ये। वैसे तुम दोनों में से किसका फोन खोया है? मेरा खोया है, इसका पता नहीं। पता नहीं। इसका उसको पता नहीं, उसका इसको पता नहीं, किसी का किसी को पता नहीं। मुझे तुम्हारा फोन नंबर पता नहीं है। मैं किसी भी अनजान को अपना नंबर नहीं देती। अनजान क्यों, तुम सिर्फ जान समझ के दे दो। नंबर बोलो अपना। 9 9 8 8 7 7 मेरा फोन आपकी जेब में गुजरा है, क्या है ये? डर, पुलिस का डर, चोर डर के मारे पहले मेरी जेब में डाल गया। सब समझ आ गया इंस्पेक्टर साहब? सब समझ में आ गया ना, तो अपनी मर्जी से जो भी डालना है अपनी श्रद्धा से मेरी जेब में डाल दो। चलो Shut up. इनकी अंग्रेजी खराब है, इनकी अंग्रेजी खराब है, ते आई लव यू की जगह शट अप बोल के जा रही है। होता है कभी कभी बरसात के मौसम में अंग्रेजी को फंगस लग जाती है।
वरुण। हाय कपू, वैसे तो सबसे पहले आपको आपकी फिल्म के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और सबसे पहले आपका है कलर, आई थिंक अगली पिक्चर में ट्राई करने वाली, मुझे बहुत अच्छा लगा। बधाई बधाई तो ठीक है, ये क्या अंग्रेजों की चुड़ैल बन के घूम रही थी? ये देसी लोग ना कुछ नहीं समझेंगे, दिस इज कॉल्ड मरमेड लुक, मरमेड जलपरी। आज हुई है मैचिंग, आज होटो के हिसाब से सही ड्रेस पहनी इसने। जा कोई तुझे मेंढक ना पकड़ ले कहीं। आपने सुना है वो एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है? वो यही मछली है वो। कपू तुम ऐसे कैसे एक एक्टर को बोल सकते हो? तुम्हें पता है ना मैं कॉलेज में प्लेस करती हूँ, तो बेसिकली प्ले में मुझे एक मछली का रोल मिला है। शुक्र कर रचना जी डिनर करके बैठी है। नहीं तो अभी तेरी फिश करी बना के ना डकार भी ना मारती हूँ। कपू तुमने सुना नहीं कि मछली जल की रानी है? ये बात मछलियों ने सुन ली ना, मेंढकों से थप्पड़ पड़वाना है तुझे। फिर देखता हूँ तेरी टर्टर कैसे निकलती है। ये तुम मछलियों का कम मत समझो, अर्जुन ने भी मछली की आंख में तीर मारा था तब जाके शादी हुई थी अर्जुन की। लेकिन अगर ये वाली मछली होती ना, अर्जुन तीर नहीं मारता, उसने कहा भीम इधर आओ गधे मारो चार पांच। फिर ऐसी मछली ना यूं करके तैर रही होती। तुम ना, मैं दीदी को बुलाती हूँ, दीदी तुमसे बात करेंगी। तितली दीदी क्या हुआ? दीदी इधर बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो ना कृति कि मैं कह ही नहीं सकती कुछ। दीदी मैं अपने बारे में पूछ रही थी। फटे मुत्ते राम, मैं भी तो तेरे को इग्नोर कर रही हूँ। पाजी सत श्रीकाल। सत श्रीकाल बहन जी। कुछ भी नहीं है? खाली हाथ? ये क्या मतलब हुआ? एक तो ये बात मैंने देख ली अर्चना जी, क्या? कोई भी पंजाबी बॉलीवुड में जाता है ना कंजूस ही हो जाता है। भाभी तुम भी तो पंजाब से, तुम कौन से थाईलैंड से हो? देवर जी आपको एक बात बोलूं? क्या? चूजा आए हैं, आप बीच में चूचा मत करो समझे। सब देखो बोलते ही रहते हैं। अच्छा, कितना प्यारा सा मेरा पप्पू। ऐसे लग रहे नानी के घर आम खाने आए। कृति जी, हाँ जी। मैंने आपकी लुक्का छुपी देखी थी, एक कड़वा सा सांप से कहना चाहती हूँ, सुन लेंगे आप? सुन लूंगी जी। वो लुक्का छुपी में पहले मेरे को लेने वाले थे। ये छुप नहीं पाई, दूर से दिख रही थी तो फिर उन्होंने नहीं लिया है ना। देवर जी आप बीच में बोला मत करो, मैं अपनी बहन का करियर सेट कर रही हूँ। आप तो फिल्मों वाले लोग हो ना, प्लीज मेरी बहन को भी किसी फिल्म में हीरोइन दिलवा दो। दीदी मैं अपनी मेहनत से लगूंगी। अगे आ थोड़ा। दीदी पाजी मेहनत देखो बेचारी की, पाजी इतनी मेहनत करती है ना, 4 बजे से तैयार होने लगी है सुबह से, पाजी अब जाके तैयार हुई है, पूरा दिन वेली बैठी रहती है और जुगाली भैंसों से ज्यादा करती है। मैं आपको भैंस लगती हूँ? इतना क्यों चिढ़ रही है? मैं लगती हूँ फिर? पाजी तू मैं लगती हूँ? नहीं मैं तो हंसी नहीं रहा। फिर आप हंसते हो तो ऐसा लगता है कि मैं लगती हूँ? नहीं 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 मैंने हंसा। ठीक है। तुम लोग यहाँ झगड़ा करने आए हो? नहीं कपू शर्मा जी, ये बहनों का प्यार है। जिस बहन के घर छोटी बहन कुंवारी बैठी हो और सामने हैंडसम गबरू पुलिस वाला बैठा हो तो मैं उसकी सेटिंग क्यों ना कराऊं? पाजी आप मेरी बहन से शादी कर लो, इसके बड़े फायदे होंगे आपको। एक्चुअली बड़े फायदे, सीरियसली आप पुलिस वाले बने हो ना तो जुआरियों को पकड़ने के लिए छापे मारते हो। इसको बोलना ये घर पे बुला लेगी, सर्कल है इसका बड़ा। एक मिनट कपू शर्मा, खबरदार मेरी बहन के बारे में कुछ बोला तो वो जुआनी स्नैच स्नैचिंग किडनैपिंग दंगे जो करते हैं ना उनके साथ सीधा कनेक्शन है मेरी बहन का। दीदी मैं भूरी हूँ, वीरप्पन नहीं। वीरप्पन तो हो भी नहीं सकती, उसकी मूछें तेरे से बड़ी थी। अरे कुछ बताना है तो मेरे रूप के बारे में बता दो। रूप क्या के मेरा हादसा निकलवा दी। रूप के लिए तो पाजी ये इतनी मेहनत करती है, भैंसों का जो दूध निकालते हैं वो मुंह पे लगाती है, घी लगाती है, मक्खन लगाती है, फायदा फिर भी कुछ नहीं, बेड़ा कर घुरा हुआ है। लेकिन हाँ कल से इसने गोबर लगाना शुरू किया तब से ग्लो कर रही है, थोड़ा थोड़ा कर रही है। हाँ बस बहुत हो गया, लेकिन जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हिंदुस्तान को 2 झटके ना एक साथ बर्दाश्त नहीं होगी। हंसा बात। कौन से 2 झटके? पहला इंडिया को वर्ल्ड कप का ना मिल पाना और दूसरा बॉलीवुड को भूरी का ना मिल पाना। वाह। Yeah.
काश कहीं ताली में तेरा मुंह आ जाए, तेरा मैं जर्दा मल के किसी को खिला दूं। समझी इतनी तालियां क्यों बजी? मतलब बेइज्जती हुई निकलो। और ये झटका झटका क्या करी? झाड़ू पकड़ और झाड़ू कटका कर। और एक मिनट, ये थैला उतार जाके, चल निकल यहाँ से। देखो। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.